हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना जेपी दादोरिया आपको मैं मिलाना चाह रहा हूँ आज अपने दिव्य एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के प्रोड्यूसर, जिनकी छत्र छाया में हमारा जो चैनल फल फूल रहा है। और आज उन्हीं के शुभ हाथों से जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं, जितने भी आर्टिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, जितने भी और टीम मेंबर्स हैं, उन सबको उपहार दिवाली का वितरण किया जाएगा। और मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब से थोड़े दो शब्द पूछूंगा कि आपको अपना चैनल चला रहे हैं आप और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए, हम अपने चैनल दिव्य एंटरटेनमेंट के सभी कलाकारों से और यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग हिलमिल के काम कर रहे हैं और आगे जाने के लिए ऐसे ही हिलमिल के काम करते रहें और चैनल भी चलता रहे और आपका भी अपनी भी उन्नति होती रहे। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा गाइड किया प्रोड्यूसर साहब ने हमें कि अपनी अपनी जो आपकी कला है उसको बराबर निखारते रहिए और बढ़िया तरीके से काम करते रहिए। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा पेड वादक है, वो बहुत अच्छे बजाते हैं, मिस्टर पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी आए और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से उपहार ले। तालियां बजा दो। तो पवन जी, आप हमारे इस YouTube चैनल में काम कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए आपको, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे? सर, जो हमारा अपना चैनल है दिव्य एंटरटेनमेंट, उसमें आके बहुत बड़ी खुशी है और सभी लोग आप एक परिवार की तरह काम करते हैं और बड़े लोगों से बड़ी शिक्षा मिलती है और जितने भी छोटे बड़े सदस्य हैं आपस में मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं और बड़ी खुशी मिलती है। इसी प्रेम के साथ हम आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पवन शर्मा जी ने बताया। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे राहुल भैया, ये भी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। राहुल भैया आए और अपना उपहार लें सर से। राहुल भैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको हमारे चैनल पर कैसा महसूस हो रहा है काम करते हुए? देखिए सर, हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, घर जैसा प्यार मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है आपके साथ, सब लोगों के साथ काम करते बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सभी कलाकार बहुत उत्साहित है और सभी को आनंद आ रहा है हमारे चैनल पर काम करते। तो अगली कड़ी में अब और आगे कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्यारे स्मार्ट सुंदर कलाकार केपी सिंह जी, गढ़ी केसरी। इनके बारे में जितना कहूं उतना कम है, ये मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है ये। नमस्कार, 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 नमस्कार। और ये आर्टिस्ट भी है, सिंगर भी है, डांसर भी है, बहुत सारी कलाएं भरी हुई इनके अंदर। तो अब मैं इनको उपहार दिलवाता हूँ सर के हाथों से। तो मिस्टर केपी सिंह जी, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको काम करते करते? मुझे सर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस कंपनी में, मतलब ये दिव्य एंटरटेनमेंट चैनल है, मुझे इतना अच्छा है, इसी चैनल से मेरी शुरुआत हुई और मैं सोच रहा हूँ कि इसी से मेरा एंड हो, मुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केपी सिंह जी ने बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत इसी चैनल से की है और मेरा जो खत्म हो, जब वो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि यानी कि हमारा चैनल बुलंदियों तक जाने वाला है, तो बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद केपी सिंह जी। हाँ बिल्कुल। तो आइएगा अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चैनल के सुपरस्टार कलाकार, सिंगर, आर्टिस्ट मिस्टर मनोज बघेल सैया, उनके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दो। हमारे मेन कलाकार हैं ये, तो मैं तालियां बजाई मनोज बघेल जी हैं सैया जी से। तो मनोज बघेल जी से मैं जानना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर ज्यादा घेर दिन नहीं हुए आपको, यही साल हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है? गुरु सर जी, मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग मुझे भी 3-4 महीने हुए इस चैनल से, मुझे इतना नाम मिला, इतना गौरव मिला जो कि इतना कहीं नहीं मिला मुझे। और शायद मैं
इतना कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इन लोगों से मुझे घर जैसा प्यार मिला और जैसा सारे ताल्लुकात एकदम से, और जो कि मेरा आप लोगों के जरिए मैं इतना पहुंच पा रहा हूँ, आप लोगों के करीबी जा पा रहा हूँ मैं इसी चैनल की वजह से। और हमारा प्यारा सा खिलौना दिव्या एंटरटेनमेंट, जो कि हमारी बेटी और हमारे सर जी की नातनी जी हैं, उनके नाम पे हमारा चैनल है, तो उसी के आशीर्वाद से और मैं आप लोगों के पास में हूँ, आपका भाई सिंगर मनोज बघेल। और साथ ही मैं बता दूँ, ये भी हमारे सिंगर जेपी दादोरिया जी, और ये बहुत अच्छा एक्ट भी करते हैं इन्होंने हमारे चैनल लपड़ झपड़ पर और दिव्या एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर और दिव्या म्यूजिक लाइव पर बहुत अच्छा एक्ट किया है। लुक का भी इन्होंने रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, बहुत अच्छा एक्ट करते हैं ये भी। तो मैं कहूँगा सर जी से ये भी इनको भी इनका सत्कार मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा। अब मैं अगली कड़ी में बताना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा कि इस चैनल की जो जिसकी शरण में देख रेख में जो काम हो रहा है, इसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं और उनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है, वो काम करते करते कभी थकते ही नहीं है। उनको जब दिन में देखूं फोन लगाऊं तो क्या भैया काम कर रहा हूं, रात में तो काम कर रहा हूं, वो मैं पता नहीं सोते कब है, वो रिकॉर्डिंग भी वही करते हैं, वीडियो कैमरा भी वही चलाते हैं, एडिटिंग भी वही करते हैं। इतने सारे काम मैंने आज तक पहली बार देख रहा हूं किसी इंसान में। बुलाना चाहूंगा मिस्टर चंद्रकांत दादोरिया जी को, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, मिस्टर चंद्रकांत दादोरिया जी। इनके बारे में जितना कहूं उतना कम है, पता नहीं किस समय पर सोते हैं ये, ऐसा कैसे मैनेज करते हैं आप? ये तो बस काम है, करना पड़ता है, और इसमें जो मैंने काम स्टार्ट किया है तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में, और जो मैं ऐसे मैंने थोड़े से काम किया है, पहले मैंने एक चैनल बनाया, अब एक से तीन चैनल कर लिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं और आगे भी ऐसे उन्नति करता जाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लो सर इनको दीजिए, तैयारी बढ़िया। तो आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीन और मेंबर हैं टीम के, जो कि वीडियो बनाते हैं, वीडियो कैमरा का काम करते हैं। तो सबसे पहले तीनों को भी बुला लेते हैं इकट्ठा, आशू चित्तौड़ और नंद किशोर दादोरिया जी और गोविंद दादोरिया जी आएंगे और हमारे सर के हाथों से दिवाली का उपहार भेंट लेंगे। कैमरामैन और सहयोगी और विशेष सहयोगी, इनको भी सम्मान कीजिए सर, इनका भी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि ये कैमरा चलाते हैं तब हम लोग इस स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आशु चित्तौड़ जी से पूछना चाहूंगा कि इस चैनल पे आपको काम करते हुए कैसा लग रहा है, कैसा? अच्छा? मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया। और रणदीप सर जी आपको? हमको भी सर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गोविंद जी? हमको भी सर बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाने के लिए। तो हम अगली कड़ी में बुलाना चाहेंगे हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे दिव्या एंटरटेनमेंट चैनल के, मिस्टर प्रेम भाई आए और अपना उपहार बैठ लें सर के हाथों से। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां। और इसी कड़ी के साथ में हमारे प्रेम सर कुछ कहेंगे। सर आपको क्या बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल मनोज जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज मुझे बड़ी खुशी है। पहली बात तो सभी हमारे देशवासियों को, हमारे सब्सक्राइबर जो भी है, सभी लोगों को हमारे ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, दिव्या एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिल करके, आप मनोज बघेल सैया से हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे डायरेक्टर जी रामवीर सिंह दादोरिया जी, और जितना भी मैंने काम किया इस चैनल पर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और मैं भी परमात्मा से ये गुजारिश करूँगा, माता रानी से ये प्रार्थना करूँगा कि हमारा ये काम, हमारे जितने ऑडियंस कलाकार हैं, सभी आर्टिस्ट कलाकार हैं, सभी बहुत अच्छी ऊँचाई पर जाएँ, हमारे ये चैनल दिव्या एंटरटेनमेंट, दिव्या स्टूडियो, जो भी चैनल हैं, सभी बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियों को छुएँ। और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ में रह करके, बहुत अच्छा आनंद आता है, काम करने में बहुत मन लगता है। मेरे से जो भी होता है, छोटे मोटे एक दो भजन भी गा देता हूँ,
और म्यूजिक में जो भी मेरे से होता है मैं उसको भी करता हूँ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी छोटी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों इसी कड़ी में आज बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजी हमारे मध्य आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे हमारे गुरुजी और मनोज बिगे जी थोड़ा हमारे पास थोड़ा गुरुजी को कुछ देना चाहते हैं। आइए गुरुजी आप आए, बहुत खुशी की बात है और हम सभी लोग मिलकर के गुरुजी का सम्मान करेंगे। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहूँगा कि वैसे तो हम किसी काबिल नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को सब मिलकर के ये बहुत अच्छा लगता है कि किसी के दरबार में किसी के सामने अगर कोई बड़ा महान व्यक्ति आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो गुरुजी से हम दो शब्द तो पूछना चाहेंगे, गुरुजी आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा और आप सभी हमारे बच्चों को जो भी भैया लोग सबको आशीर्वाद दें। मैं तो यही माता रानी से कृपा करूँगा कि सदैव उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। और वो कैसे कहते हैं देसी भाषा में, देर रात चौगुने बढ़ते रहें। और ये कार्यक्रम स्टूडियो वाला इतनी ऊंचाई छुए कि आप सभी को और जितने भी देखने वाले सभी भक्तों को बड़ा आनंद की सौभाग्य की बात है कि आज इस बीच हम खड़े हुए हैं। और मेरी तो यही कृपा है कि हमेशा सभी लोग इसी तरीके से काम करते रहें और हमेशा आगे। और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। और आगरा से आई हुई जो हमारी लेडीज सिंगर और एक्ट्रेस हैं राधिका सक्सेना जी, तो ये थी हमारी प्यारी सी टीम। और इसमें से जिसको हम छोड़ रहे हैं, अब याद आ रहा है हमें कि जिसके नाम से ये चैनल फल फूल रहा है, जिसके नाम से ये चैनल क्रिएट किया है हमारी बेबी डॉल मिस दिव्या जी, इसको हम बुलाना चाहेंगे। ये है हमारी बड़ी क्यूट सी है बेबी डॉल मिस दिव्या जी, इसी के नाम से ये चैनल क्रिएट है। बाय बाय कर दो सबको, हेलो कर दो। ये दिव्या की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी पूरी टीम थी ये। हेलो दोस्तों नमस्कार, ये है हमारी पूरी टीम दिव्या एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी विद फैमिली सहित। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब आप सभी को एक संदेश देना चाहते हैं, तो सुनिए जरा क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे चैनल के सभी श्रोताओं से और कलाकारों से मेरा कहना है कि हमारा चैनल दिव्या एंटरटेनमेंट सभी कलाकारों की और देन है। आप लोग हमारे यहाँ काम करेंगे और भाईचारे से, कभी कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, कलाकार छोटे से बड़ा बनता है और बड़े से भी बड़ा जाता है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा बिना किसी गिला शिकवे के और काम करें और एक दूसरे की भाईचारे के साथ चैनल को आगे ले जाएं और आप अपनी भी तरक्की करते रहें। और मेरा ये आशीर्वाद है आप सब लोग जैसे हमारे मनोज बघेले सैया से हैं, ये मुझे बहुत प्रिय हैं, हमारे बच्चों जैसे जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं और चंद्रकांत दादोरिया हमारे बड़े बेटे हैं और नंदकिशोर बेटे हैं छोटे हैं उनसे भी छोटे हैं हमारे श्याम गोविंद दादोरिया। तो इसी तरह से जैसे हमारे केपी हैं, केपी सिंह जो सिंगर हैं गढ़ी केसरी से, हमारे बच्चों की तरह हैं। हमारा पवन है, जेपी दादोरिया है। कहने का मतलब हमारी टीम में कोई भी आदमी आज तक ऐसा नहीं है जो हमसे अलग हो। रात में दिन में कभी बुलाते आ जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि छोटे से ही बड़ा कलाकार बनता है, बड़ों का सम्मान करना सीखो, कुछ लेना है तो उसे गुरु बनाओ। बाप बन के किसी ने नहीं खा पाया है, छोटा बन के सब कुछ पा लेता है। ध्यान रखना, सबके लिए शुभ दीपावली और शुभ मंगलमय हो, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर साहब ने गाइड किया हम सब लोगों को। और सभी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे या ख़राब लगे कम से कम नीचे से कमेंट में से लिख दिया करो, कमेंट्स करना बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है दोस्तों नमस्कार।